हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डबल पेंसिल कैलीग्राफी का क्लास टू देखेंगे। क्लास वन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया और उसके बाद एक और क्लास है उसके अंदर मैंने ए से लेके एफ तक बताया। आज मैं जी से लेके एल तक बताऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कुछ भी अगर आपको डाउट वाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आज अपन जी लेटर पहले सीखेंगे। उसके लिए पहले दो पेंसिल लेंगे, दोनों के पॉइंट इक्वल कर देंगे। पहले ऐसे अपन टर्न करेंगे, एस जैसे बनाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये सी जैसे बन गया ये, और फिर इसको ऐसे अपन नीचे से घुमा देंगे ऐसे। ये तो यहाँ से टर्न किया था, अभी मैं एक और टाइप का बताती हूँ। ऐसे हाफ ये टर्न किया अपन ने, ऐसे वाला। और फिर मैंने आपको बताया ना, एक पेंसिल लेके इसको ऐसे साइड से ऐसे कर देने का, फिर इसके अंदर अपन शेड कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं ज़्यादा फास्ट सिखा रही हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और स्लो सिखाओगे। अभी अपन एच सीखेंगे। पहले इसको ना ऐसे बराबर कर लेने का, और फिर इसको 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करने का। वैसे अपन ऊपर की साइड लेंगे, वेव करेंगे, फिर स्टैंडिंग यहाँ से ये पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट जैसे रख के यहाँ से ऐसे थोड़ा सा क्रॉस, एक बार उठाएंगे पेंसिल को यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे अपन, और ऐसे नीचे की साइड ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचे, ये हो गया। फिर अभी अपन एच बना रहे हैं ना, तो ऐसा वाला एच बना रहे हैं, और फिर यहाँ से ये वाली साइड वाला जो एच का लाइन रहेगा ना, उसको इसको पूरा टर्न करेगा, और इसको आप ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ये वाली लाइन को अगर आपको मोटी बनानी है तो ऐसे पेंसिल को थोड़ा टेढ़ा पकड़ लेने का ऐसे, ये तो पतली, और अगर आपको मोटी करनी है तो ऐसे ऐसे मोटी कर देने का पेंसिल को, थोड़ा सा ऐसे स्लैंट और ऐसे स्लैंट में कर देने का, तो मोटी हो जाएगी। ये आपको ऐसे इतना जल्दी तो नहीं आएगा, पहले आप पेंसिल पकड़ना सीखोगे तो बाद में ऐसे एकदम जल्दी से अपन कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ये एच हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड आई सीखेंगे अपन। आई तो एकदम सिंपल है, आई में पहले दो वेव करने, और उससे ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचना, यहाँ से अपन इसकी स्टैंडिंग लाइन यहाँ से खींचेंगे ऐसे। अभी इसको ऐसे साइड से ये करेंगे, इसके अंदर शेड करेंगे अपन। ये तो अपन ऐसे वेव करके किया था, और अपन को एक ऐसा वाला भी करना है ना, अपन ये कैसे मैंने पॉइंटेड किया, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ से, और इसका ऐसा यहाँ से, इसके अंदर ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींच लेंगे। मोटा चाहिए तो मैंने बोल दिया आपको कि ऐसे पेंसिल को ऐसे ऐसे कर देने का, तो मोटा हो जाएगा ये अपना, और फिर इसको ऐसे जॉइंट कर देने का। देखो मैं आपको एक बार और करके बताती हूँ आई कैसे बनाते हैं। जे तो आ गया, एच भी बना दिया, अभी आई बताती हूँ ऊपर। अभी अपन इसके अंदर शेड करेंगे, और अगर चाहिए ना एक बार ये अपन लाइट कर दे, उसके बाद शेड करने के बाद अपन इसको डार्क भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपन कलर से फिलिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जो करना है वो अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो अपन ने शेड किया इसके अंदर, फिर अभी इसको फिर से अपन डार्क करेंगे।
शेड अगर आपको लाइट लग रहा है तो थोड़ा आप डार्क कर सकते हो, फिर इसमें अपन ऐसे लाइंस भी बना सकते हो। देखो ऐसी वाली, और डार्क शेड चाहिए तो डार्क शेड कर सकते हो। एक बार पहले पेंसिल से लाइट बना देने का और फिर उसको डार्क कर लेने का, पहले लाइट बना देने का फिर अंदर शेडिंग करने का फिर उसके बाद डार्क करने का। तो पहले डार्क कर लोगे तो जो अंदर का शेडिंग करोगे वो अच्छा नहीं दिखेगा। देखो कितना मस्त दिखा है, पूरे के अंदर ये कर सकते हैं, पूरे में शेडिंग कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक बताती हूँ, एच वाले में तो अपन ने ऐसा वाला अपन को करने का है, और इसका अगर अपन को डबल चाहिए तो अपन ये तो ऐसा हो गया, अगर ऐसे डबल में चाहिए थोड़ा मोटा चाहिए, ये पतला हो गया तो पतला हो गया तो थोड़ा स्लाइंट में पकड़ने का और फिर ऐसे लेकर जाने का, ऐसे हो जाता है। और पतला चाहिए ना तो खाली पेंसिल को वैसे ही रखने का और उसको इधर ही ऐसे वही जगह पे घुमाने का। अभी इसके आगे का वर्ड जे सीखेंगे। जे के लिए पहले एक ऐसे स्लाइंट में लाइन, यहाँ से इसको टर्न लेके जाने का ऐसे, और यहाँ से टर्न लेके, यहाँ से तो ये पतला ही रहेगा और यहाँ से ऐसे मोटा ऐसे, मतलब जो भी आप जब भी आप पेंसिल घुमाओगे ना तो उसको एक साथ में एकदम फास्ट में बनाने का, ऐसे बीच में एकदम लीफ नहीं करने का, फास्ट में बनाने का, तो डिज़ाइन का शेप एकदम अच्छा आएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला तो पतला अपन ने पेंसिल को हिलाया नहीं था, वैसे ही टर्न मार दिया तो आगे आके सही सेम हो गया था। अभी एक दूसरे टाइप का मैं आपको ये बताती हूँ, उसके अंदर ये अपन ने टर्न लिया है ना वो नहीं लेके, वो खाली अपन ऐसा ही बना लेगा नॉर्मल, ऐसे वेव किया ऐसे क्या, और ये खाली इतना ही करेगा, ये ऐसा वाला डिज़ाइन हो गया। इसके अंदर अपन शेडिंग कर सकते हैं, मस्त दिखेगा, और फिर उसके बाद इसको अपन डार्क कर सकते हैं। भी के बनाएंगे अपन, के के लिए ये वाला जो ये रहता है ना, ये वाला तो सब में मेन ही रहता है, और फिर ऐसे राउंड करके ऐसे ये करने का, ये वाला डिज़ाइन एक बार सीख लिया ना तो सब डिज़ाइन अपना बड़ी बन ही जाएगा कैपिटल में। ऐसा क्या, ये वेव क्या, फिर यहाँ से अपन से एक लाइन खींचेगा लंबी वाली, फिर से यहाँ से वेव करेगा। के बना रहे ना अपन, तो पहले जैसे लिखते वैसे करेगा, फिर पेंसिल को ऐसे क्रॉस में ऐसे करेगा, क्योंकि अपन को एक ही लाइन बनानी है ना इसके लिए, अगर अपन को डबल लाइन बनानी है तो ऐसे पकड़ेंगे अपन, अगर अपन को एक ही बनानी है तो अपन ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे राउंड करेंगे, और इससे ये डबल से ऐसे करेगा। तो ये देखो, ये ऐसा वाला के बन गया। अगर आपको ये वाला के नहीं अच्छा लग रहा एक और टाइप का मैं क्या बताती हूँ, तो सिंपल ही है, बीच के अंदर अपन राउंड लेगा और ऐसे पीछे की साइड लेके जाएगा, फिर यहाँ से टर्न करेगा और यहाँ से इसके, यहाँ से ना अपन नीचे लेके जाएगा और ऊपर करेगा ऐसे, बीच में ऐसे अपन जॉइंट कर देगा। देखो ऐसा भी हो सकता है, भी इसको है ना अपन थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको अगर मिडल में लेके आएगा ना थोड़ा और भी अच्छा दिखेगा। देखो मैं आपको फटा इसमें आपको बता रही हूँ, तो इसलिए वो मेरा स्पीड ये हो रहा है, इसमें साथ में बनाओगे ना तो मेरे को चम जाएगा ऐसे, इसको ऐसे टर्न ले लेने का ऐसे वेव में। आपको बड़ा चाहिए इसको थोड़ा और लंबा करना कर सकते हो, जैसे करना कर सकते हो। अभी एल सीखेंगे, एल तो एकदम सिंपल है, एल के अंदर अपन को खाली वेव करना आना चाहिए। ये राउंड तो अपन ने सीखा ही हुआ है, फिर इससे ऐसे पतला लेके जाके ऐसे, ये देखो ये बन गया। अभी एक और एल बताती हूँ मैं आपको, देखो ऐसा वाला,
जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। एक बार अपन ने सीख लिया ना, उसके बाद अपन कैसे भी वर्डिंग्स लेटर्स बना सकते हैं अच्छे से। एल तो सिंपल ही था एकदम। एक बार मैं फिर से के बता देती हूँ, क्योंकि के ना हार्ड है थोड़ा सा। अगर ऐसे बिगड़ जाता है ना शेप, तो ऐसे साइड से अपन बाद में पेंसिल से भी बना सकते हैं। ये लेटर में अपन शेड कर सकते, शेड दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में एकदम अच्छा लगता है डिजाइन। उसका बॉर्डर एकदम अच्छे से करने का, नहीं तो वो डिजाइन अपने चुकी है ना, वो बिगड़ जाएगी। इसको तो डार्क ही है। ये डिज़ाइन हो गए अपने कंप्लीट।